वालेकुम एवरीवन। क्यूरी को मैंने पहले भी आंसर किया है और वो भी दोबारा बार बार जो है वो क्यूरी आ रही है। वो क्या बीबीएस की नौकरियों के लिए चालान, सीएनआईसी और तस्वीर की कापियां डाक के जरिए यूटीएस को भेजने की जरूरत है, या सिर्फ यूटीएस की वेबसाइट पर अपलोड करना काफी है? तो ये एक बड़ी क्यूरी आ रही है कि या सिर्फ जो है वो अपलोड करना है, क्योंकि वहाँ का अपलोड का बैच चल गया है, या फिर उनको जो है यूटीएस को बाय पोस्ट जो है वो भी सेंड करना है। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी इस कॉन्सेप्ट कर दिया है कि उन्होंने अब जो है क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे व्हाट डू वी हैव टू सेंड यूटीएस बाय पोस्ट और बाय एनी अदर मीडियम, या तो पोस्ट के जरिए या किसी और मीडियम, यानी बाय हैंड भी हो सकता है उसमें, तो उसके जरिए क्या क्या भेजना है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये चीज़ें जो है वो भेजनी है। ठीक है, तो यानी अब जो है ये क्लियर हो गया कि आपने जो है यूटीएस को जो है बाय पोस्ट जो है डॉक्यूमेंट जरूर सबमिट करवाने हैं। ठीक है, बाय पोस्ट आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जरूर सबमिट करना है। बेशक आप अपलोड कर दें, मगर अपलोड भी करें और यूटीएस को जो है बाय पोस्ट भी जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो भिजवा दें। इसके अलावा मैंने काफ़ी मरतबा कॉल करने की कोशिश की है, यूटीएस वाले जो है फोन को जो है अटेंड नहीं कर रहे, ये उनको ज़्यादा कंफर्म करने के लिए, मगर ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि बाय पोस्ट जो है इनको सेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि डाक के जरिए यूटीएस को क्या भेजना पड़ता है, यानी आप क्या भेजेंगे यूटीएस को बाय पोस्ट? तो उसमें जो है एक पिक्चर आपकी और एक आपके सीएनआईसी की कॉपी और एक जो है कॉपी ऑफ सबमिटेड चालान जो है, चालान हो या चालान जो है, आपने एक चालान सबमिट किया है तो एक से ज़्यादा किए हैं तो उनकी जो है कॉपियाँ जो है आपने जो है एक पिक्चर, एक सीएनआईसी कॉपी और चालान की कॉपी जो है आपने यूटीएस को जो है उसके एड्रेस पर जो गिवन है उसको आपने सेंड कर दिया। ठीक है, बाय पोस्ट। फिर तीसरा सवाल है, क्या हर पोस्ट के लिए अलग अलग लिफाफा भेजना होगा या तमाम पोस्टों के लिए एक लिफाफा, यानी एक एनवलप होना जरूरी है, या हर पोस्ट के लिए अलग अलग से जो है एक एनवलप जो है अलग अलग पैसे भर के भेजना पड़ेगा? नहीं, इसका जो है ये जो आंसर है वो ये है कि एक पिक्चर और एक सीएनआईसी की कॉपी और बाकी जितने भी आपने चालान सबमिट किए हैं उनकी कॉपीज जो हैं, अगर आपने एक ही पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई किया है तो फिर तो कोई जनरल ये क्वेश्चन आपका बनता भी नहीं। अगर आपने ज़्यादा पोस्टों पे अप्लाई किया है तो फिर जाहिर सी बात है ये सवाल बनता है कि हर किसी के लिए अलग अलग से जो है भेजना पड़ेगा या एक ही काफ़ी है। तो आंसर ये है कि एक ही काफ़ी है, एक पिक्चर एक कॉपी जो है सीएनआईसी की और बाकी जितने भी हर क्योंकि हर पोस्ट के अगेंस्ट आपको अलग अलग से चालान जो है वो सबमिट करना है, तो हर पोस्ट जो है उसके भी जितने भी चालान बन रहे हैं उनकी कापियाँ जो हैं अलग अलग जो है वो कापियाँ जितनी भी हैं वो एक ही इनवलप में एक ही जो है एड्रेस पे जो है इस पे जो है एक ही इनवलप में जो है भेजनी है, अलग अलग नहीं भेजनी, ज़्यादा पैसे जो है काम का जो है ज़ाया नहीं करना। ठीक है, यूटीएस को डाक के जरिए दस्तावेजात कब भेजने हैं, कब भेजने की जरूरत है, यानी डॉक्यूमेंट्स कब भेजने हैं आपने, ये भी सवाल आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि बिफोर क्लोजिंग डेट जो है यानी 16 जुलाई जो है ये क्लोजिंग डेट है, तो आपके डॉक्यूमेंट जो हैं यूटीएस के पास इससे पहले पहुंचने चाहिए। ठीक है, यानी आप पहले चालान सबमिट कर दें और जैसे आज आपने भिजवा दिया तो कल तक जो है वो उसको रिसीव हो जाएगा। आज जो है मिसाल के तौर पर 13 है तो आज 16 तक पहले पहले आप भिजवाएंगे तो उनको जो है 16 तारीख तक जो है वो डॉक्यूमेंट जो है आपके वो मिल जाएंगे। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ टेस्ट है, उसके लिए मैंने ये डिटेल में पहले भी बताया हुआ है कि ये आप खुद रीड कर सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि 31 जुलाई या 7 अगस्त जो है ये टेस्ट जो है हो जाएगा। जॉइन माई ऑनलाइन प्रिपरेटरी क्लासेस, मैंने इसके ऊपर सिलेबस के ऊपर जो है एक वीडियो बना दिया है, उसमें मैंने डेमो लेक्चर जो है वो भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। और फिर आप मुझे जो है इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करके रजिस्टर हो सकते हैं ऑनलाइन क्लास पे इसकी तैयारी के लिए, किसी की गलत फहमी में ना आए और जो मेरा सिलेबस है उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा।
थैंक यू सो मच।